दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न जो कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस पर टिकी हुई है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है? क्या वाकई में पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की वीडियो और देख सकें। दोस्तों, पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के नीचे कुछ भी नहीं है, केवल नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अंतरिक्ष है। पृथ्वी किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बाकी सभी ग्रहों की तरह सूरज के गुरुत्वाकर्षण की ताकत की वजह से तैर रही है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक है कि वह सभी ग्रहों को अपने इर्द गिर्द रखने में समर्थ है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष में रुकी है, तो अगर मान लो सूर्य नहीं होता तो क्या पृथ्वी गिर जाती? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी का आधार सूर्य ही नहीं बल्कि साइंस के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह पर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो तब तक कोई बाहरी बल उस पर ना लगे तब तक वह उसी स्थिति में रहेगी जिस स्थिति में वह है। अब आप सोचेंगे कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती? दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके अंदर इसलिए नहीं समा जाती क्योंकि पृथ्वी की खुद की भी एक गति है, और इस गति की वजह से ही पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं गिरती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की गति एक ऐसी जगह पर स्थिर है जहाँ पृथ्वी का गिरना एक चक्कर बन जाता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण और अन्य ग्रहों के ऑर्बिट में घूमने के इस नियम को न्यूटन ने तोप के गोले के उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं और एक तोप से गोले को तेजी से ताकते हैं तो कुछ ही दूरी तक तय करने के बाद वह गोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर आ गिरेगा। ये गोला दागने के बाद उसी जगह इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी खुद की भी एक गति है जो उस गोले को कुछ दूर तक ले जाती है। अगर मान लीजिए हम गोले को कई गुना तेजी से फेंकते हैं तो वह पहले की तुलना में काफ़ी आगे जाएगा, लेकिन अगर गोले को इतना तेजी से दागा जाए कि वो धरती की सतह से बाहर हो जाए तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में तो रहेगा, मगर गिरने के बाद उसे धरती की गोलाई की वजह से उसे गिरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो लगातार गिरता भी रहेगा और पृथ्वी की सतह को भी नहीं छू पाएगा और धरती का चक्कर लगाता रहेगा। इसी को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। इसी नियम पर ही हमारे सैटेलाइट काम करते हैं और हमारी धरती भी इसी नियम पर सूर्य का चक्कर लगाती है। धरती सूर्य की तरफ गिरती तो रहती है, मगर पृथ्वी की गति की वजह से उसका गिरना चक्कर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप इसी तरह की वीडियो और देख सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।